बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थोड़ी सी लुक्स पे जाते हैं डॉग की, उसकी वर्किंग पे नहीं जाते। जो बाहर हैं लोग, बुरे हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो उसके वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्होंने वर्किंग के लिए। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज के ब्लॉग का सीन ये है, आज आपका भाई आया है तलविंदर पारी के पास और आज आपको बड़े ही बेहतरीन क्वालिटी के डॉग्स दिखाऊंगा, लाइक डॉबरमैन आपको इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। और पारी के पास है ना, मैंने बात की और पारी के पास है ना पपीस हुए पड़े हैं, तो मैंने सोचा पारी के साथ ब्लॉग प्लान करते हैं। सो गाइज, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग होएगा आज का। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ब्लॉग को शुरू करते हैं। है और ये देख सकते हो गाइस, स्टार्टिंग में हमारा वेलकम करने के लिए ये विल्सन है ना, विल्सन। सो गाइस, ये आ गया विल्सन, आप देख लो गाइस, काफी ज्यादा सही है। और इधर तलविंदर पाजी, पाजी कैसे हो? सच्चीकाल भाई जी, ठीक ठाक। तो इधर पाजी आ गए, तो पाजी कैसे हो? आप बताओ करण जी, आप कैसे हो? मैं तो पाजी बढ़िया। तो आज लाइक ना, मैंने इंट्रो में कह दिया है कि पपीज तो दिखानी दिखाने हैं, और नई इन्फॉर्मेशन भी हमें लेकर आए हैं इनके लिए, ऑडियंस के लिए। ट्राई करेंगे पूरी। ओके, लाइक पहले भी गाइस दो वीडियोस बनाई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बाकी आपको पता चल जाएगा, पाजी की हिस्ट्री के बारे में पता लग जाएगा कि कैसे हमने व्लॉग बनाए हैं। तो पाजी लाइक है ना, थोड़ा सा हमें हमारी ऑडियंस को बता दिए कि कब से आप ब्रीडिंग कर रहे हो? लाइक ऐसे है जी, मैं बड़े बचपन से इस ब्रीड को रख रहा हूँ जी। मैं दसवीं या बारहवीं में था उस टाइम पे, तब से मैं मतलब इस ब्रीड के साथ मेरा लगाव है। ओके। मगर अभी जो रिसेंटली एक दो साल है, इसमें हमने ब्रीडिंग भी मैंने स्टार्ट की है, जो कॉम्बिनेशंस हैं या और है उस पर भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ जैसे। मगर शौकिया मतलब मैं ज़्यादा शौकिया, पर ब्रीडिंग मैं कम करता हूँ। ओके, लाइक आप कम करता हूँ, मतलब हम बात कर सकते हैं लाइक ब्रीड स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की आप ट्राई कर रहे हो? ट्राई है अभी, अच्छा करें। अच्छा, ये ऐसे है अभी बिजनेस का पार्ट नहीं मैंने इसको बनाया। ओके, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है। यस, ठीक। तो इसकी ब्रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो मैंने इसको किया ना, जो कि इस अदर ब्रीड में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। Okay. इसकी ब्रीड में कोई भी ब्रीडिंग में मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मुझे देखने को मिली, क्योंकि फीमेल अपने आप बच्चों को संभालती है। और इसका जो लिटर होता है, मैं मिनिमम 6 और मैक्सिमम मैंने 10 या 12 भी देखे हैं जी बच्चे इसके जो हैं। ओके, 10 और 12। ओके, ठीक है। उसका जो है भी, अगर कोई न्यू कमर जो स्टार्ट भी करना चाहता है, मगर अच्छी ब्लड लाइन से स्टार्ट करे, और इसका जो बहुत ही ईजी टू मेनटेन, और कोई इसकी जो बिच है वो बच्चों को बहुत अच्छी से विनिंग कराती है, और बहुत कोई मुश्किल नहीं आती उसमें। ओके। मुझे पहले ऐसे था कि इसकी जो ब्रीडिंग है बहुत मुश्किल होगी, और मुझे ऐसे है, मगर ये ऐसे है भी नेचुरल ब्रीड होने की वजह से इसकी जो है वो बहुत कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, लाइक है ना, मैंने ना मेन है ना टेम्परामेंट की बात करूँ, मेन पंगा मेरा टेम्परामेंट का, लाइक ये डॉबरमैन ब्रीड पहले काफ़ी ज़्यादा बदनाम काफ़ी ज़्यादा थी, कि लाइक टेम्परामेंट को लेकर। इसमें ना थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला सवाल आपने पूछ लिया, मैं आपको बात बताता हूँ। एक तो जो आप गूगल पे, अगर आप जैसे कोई भी बंदा है गूगल पे जाता है जी, गूगल करता है, उसके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक आता है अमेरिकन, एक आता है यूरोपियन, उसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है? कन्फ्यूज़ हो गए, उसमें क्या है, जैसे यूरोपियन शो करेंगे कि बहुत बड़े होते हैं, ऐसे है वैसे है ना, ये लैटिन अमेरिकन हैं मेरे पास हैं जो। ओके, ये लैटिन अमेरिकन, मतलब अमेरिकन की टाइप ही है, टाइप अमेरिकन की है, क्योंकि लैटिन अमेरिकन है जो उसका, जो अमेरिका के जो नज़दीक कंट्रीज हैं जैसे, हाँ, लैटिन एरिया, लैटिन एरियाज हो गए, उनकी जो ब्रीडिंग है थोड़ी सी, उनके जो है उसके थिक बोन्ड जो है ना डॉग, वो थिक बोन्ड और एनाटॉमी उनकी ज़्यादा क्लियर है उन डॉग्स की। ओके, हाँ, उसका जो मेनली जो है वो टेम्परामेंट ही है प्रॉपर। ओके, ठीक है। अब आपके पास देखो इतना बड़ा डॉग है जी, ये कोई इसका, मतलब मैं तो इसको तीसरी चौथी बार मिल चुका हूँ, फिर मेरे लिए फ्रेंडली है अभी, सबके लिए फ्रेंडली अगर मेरे पास है ना ये अगर मान लो एक अपना जो इसका जो ओनर है या घर का कोई भी मेंबर है, अगर वो मौजूद है, फिर इसने कुछ नहीं कहना। अगर हम कोई भी नहीं है आपके पास, अगर कोई, अगर मतलब मैं आ गया मेरा 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 कुछ रहेगा नहीं, गारंटी नहीं है जी। अच्छा, ठीक है। अगर मैं हूँ
तो फिर कोई दिक्कत ठीक है नहीं, मेरा कुछ रहेगा नहीं अगर मैं बिना बताए आपको सरप्राइज देने के लिए आ गया। ऐसे है भी अगर आप दूसरी ब्रीड में जाओगे जैसे डोगो है और है, वो क्या हंटिंग ब्रीड है, अगर आपको हिस्ट्री पकड़ो ना जी, हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थोड़ी सी लुक्स पे जाते हैं डॉग की, उसकी वर्किंग पे नहीं जाते। जो बाहर हैं लोग, गोरे हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो उसके वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। उन्होंने वर्किंग के लिए उनको मतलब ब्रीडें तैयार की, उन्होंने उसको वर्क भी देते हैं वो वाला, जो जैसे मान लो कोई डोगो है या पिटबुल है या कोई भी किस चीज़ के लिए बना है डॉग, उसको उसका काम दिया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अभी नीली आंखें हैं, ऐसे है वैसे है, उसका टेम्परामेंट कोई नहीं देख रहा। हाँ, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो हो रही है ना, क्या है जी, जो ये मेल फीमेल हम जो यूज़ करते हैं, देखो ये बंदे के हाथ में है, नेचुरली नहीं हम ब्रीड कर रहे इसको जो है, वो बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है हमारा भी, जो मेल यूज़ करना है फीमेल यूज़ करनी है बहुत ज़्यादा देख के करने पड़ते हैं। इसी वजह से क्या होता है, क्या ब्लड लाइन्स ये सेम यूज़ करी जाते हैं लोग, ठीक है, फीमेल को बार बार यूज़ मतलब वो साल में दो दो लीटर ले लेने हैं। ओके, उसका क्या होता है भी, एक तो देखो जी डिमांड एंड सप्लाई की अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो कहते हैं बच्चे बिक नहीं रहे, इसका कारण यही है, और जो बिक गए उनका फिर प्रॉब्लम ये आती है भी वो बीमारी की वजह से मर रहे हैं। ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग लाइक साल में एक लीटर ही लेना, लीटर लो एक बार, उसको छोड़ो थोड़ा सा, उसको मतलब रिकवर करने का टाइम दो, कि ऐसे नहीं है कि लाइक उसको मशीन, हाँ मतलब थिंग मत समझो, वो एक एनिमल है, पार्ट है, लाइफ है उनका, पार्ट है जी हमारी, जो घर का पार्ट है जी, मेंबर है, उसको एक मशीन ना बनाओ। हाँ, मतलब कोई थिंग नहीं है वो, हाँ, एक उसमें जान है, लाइफ है। दिक्कत यही आ रही है, जो बच्चे कहते हैं भी पार्बो हो गया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पार्बो की, पार्बो का जो मेन इशू आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि उसकी जो बिच है, जो उसको हम बार बार उसको मेट करा के बच्चे ले रहे हैं, उसके जो आगे जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं वो बीमारी की वजह से ज़्यादा मरते हैं। वो क्या करता है, बंदा तो ले आया, ओनर ले आया, मगर वो उसका इतने का बच्चा नहीं होता जितना उसका जो वेट के बिल बन जाते हैं, वेट के बिल बन जाते, ठीक है, उस वजह से छोड़ देते हैं लोग। ओके, मतलब ये बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करने वाला है जी, ठीक है, मगर टचवुड मेरे पास से जितने बच्चे गए हैं किसी को पार्बो या कोई ऐसी नहीं, वो ये थोड़ी सी ब्रीड भी लाइक ये थोड़ी तकड़ी ब्रीड, तकड़ी ब्रीड हम कह सकते हैं, ताकतवर ब्रीड काफी ज्यादा है, ठीक है। तो पारी अब हम पपीज देखते हैं, इसके हाँ, इसके विल्सन के पपीज हैं, ओके, वो बिच भी मेरे पास है, मैं हाँ ठीक है, पपीज हाँ, देखते हैं, पपी दिखाते हैं आप, ये देखो जी आप इसके, ओके, सो गाइस ये इधर आ गए, प्यारे प्यारे पपीज आ गए, ये देख सकते हो गाइस, काफी ज्यादा प्यारे हैं, ये देख लो काफी ज्यादा छुटकू से है, लाइक ये इतने ह्यूज हो जाएंगे इसके, इनकी तरह एज बताइए पाजी थोड़ी सी, ये 30 डेज के हो गए जी, ओके 30 डेज के हैं, 30 डेज के हैं पपीज, ये ज्यादा मेल हैं इसमें, ओके ठीक है, और कितने हुए थे मतलब क्या था रिजल्ट, 10 बच्चे हुए थे जी, ओके 10 बच्चों में से 3 फीमेल थी और 7 जो है ये मेल है, ओके, इसमें दोनों कलर अवेलेबल है जी, ओके ठीक है, ये इसके बच्चे हैं, ये देख सकते हैं, फीमेल भी है हमारे पास, मैं आपको भेज दूंगा फोटो, आप मैं आप दिखा दूंगा फोटो, आप चेक कर लेना, ये देख सकते हो इस काफी ज्यादा प्यारे हैं। ये कलर के बारे में थोड़ा सा बताइए भाजी, ये कलर कौन से आगे, ये कलर है जो लीवर एंड टैन कहते हैं जी, ये कलर जो लीवर हो गया, ओके, इसके जो पाउज पे होता है ये मतलब टैन कलर हो जाता है जैसे, ओके टैन, ठीक है, और ये अपने ब्लैक और ये ब्लैक और रस्ट है जी, ओके ठीक है, ब्लैक और टैन कह लो, ब्लैक और रस्ट कह लो जी, ठीक है। ये क्या प्राइस रहता होगा पप्पीज का आपके पास, प्राइस का ऐसे है जी, क्वालिटी पे है डिपेंड, वैसे जो अब हमने केसीए रजिस्टर्ड बच्चे हैं ये 25 मेल का है हमने डिमांड की हुई और 20 फीमेल का है, और इसमें नेगोशिएशन भी हो जाएगा अगर आपके थ्रू आएगा कोई, ओके ठीक है, कोई इशू मतलब डिस्काउंट हो जाएगा, हाँ, दे देंगे, मगर क्वालिटी में मिलेंगे आपको बच्चे, ओके, कोई ठीक ऐसे इशू नहीं है, ठीक है ठीक है। कई बार क्या इसका जो रिजल्ट है ना, इसके बच्चे जो है इससे भी हाइट में, अच्छा, हाइट में इससे भी बड़े मैंने देखे हैं, ये ज्यादा मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है। आपको एलेक्स दिखा रहे हैं, ये आ गया एलेक्स, तो बाजी थोड़ा सा इसके बारे में इसका सीन बताइए कि ये कौन सी ब्लड लाइन का है ये। ये सर एलेक्स जो है इसका जो ग्रैंड फादर है उसका नाम भी एलेक्स ही था, ओके, एलेक्स डी किडोसान, जो ये वर्ल्ड चैंपियन था जी डॉग, ओके, अर्जेंटीनियन डॉग था जी वो, ओके, और उसका ये ग्रैंडसन है जी, ओके ठीक है, जो ब्लड लाइन है वो भी बहुत रेयर है जी, अच्छा ठीक है, कम है बहुत ज्यादा, ओके, ये देख सकते हो गाइस, ये इसकी
एज बताइए कितनी होगी इसकी? एज सर 2 साल से थोड़ा सा ऊपर है जी, ये 2 साल से ऊपर हो गया अभी। ओके ठीक है, अभी पूरा इसका खेलने का मन कर रहा है पपीज के साथ, पूरा खेलने के। लाइन का ऐसे होता है ये ना, मैच्योर लेट होते हैं। ओके अच्छा, ये लेट मैच्योर लाइन है, ये 3 साल पे मैच्योर हो गए कम से। ओके ठीक है, और जो अदर लाइने हैं वो जो है 1.5 साल 2 साल पे हो जाते हैं जी। अच्छा ठीक है, ये बहुत धीरे 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 मैच्योर होने वाले डॉग है जी। ओके ठीक है, ये जो इसकी ब्लड लाइन है। करें शो की बात, करें शो में क्या कुछ देखा जाता है लाइक? देखो शो में ऐसे है जी, सारी जो ब्रीड्स हैं उसका जो AKC जो है उसके अंडर आता है, जो अपना अमेरिकन कैनल क्लब। हाँ, अमेरिकन कैनल क्लब के अंडर ही इसको जो ब्रीड कर रहे हैं, सारे जो शोज होते हैं उसके जो जो इनके मानक हैं उन पे ही है सारे करेक्टर ब्रीड करेक्टर। ओके ठीक है, मतलब जो इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से जज करते हैं, उनके हिसाब से ये जज करते हैं जो जज है। ठीक है, इसमें जो डोबरमैन का है जी, ये क्या होता है, वैसे तो अदर सारी ब्रीड का ऐसे ही है कि नेक टू टो उसको चेक होता है जी, उसकी मेनली जो एनाटॉमी होती है जी। ओके ठीक है, ये गाइस मतलब प्रॉपर ये एंगुलेशन है इसका, जो एनाटॉमी होती है ना। ओके, एंगुलेशन तभी सही होगी अगर उसकी एनाटॉमी ठीक होगी, स्ट्रक्चर जो होता है। ओके ठीक है, और जैसे जैसे आप देखोगे उसकी जो जितनी उसकी हाइट है उसकी उतनी लेंथ होनी चाहिए, जैसे इसका हेड है ना, जितना इसका हेड है ओके उतना नेक होना चाहिए। ओके ठीक है, ये विदर है थोड़े से, ये विदर ब्लेड कहते हैं इसको जी। ओके, ये हाई होते हैं इसके इसके जो ये रिब केज हो गया। ओके ये जो है ना, ठीक है ठीक है, ये हो गया जो ये इसका ये विदर ब्लेड हो गई जो। ओके, और लाइक हम बात करें इससे, ओके ठीक है, ये फ्रेम होती है इसकी, ये देख सकते हो मतलब ये जो फ्रेम उसकी सही होगी। ओके, लाइक ये अमेरिकन में ऐसे हो मतलब चेस्ट इसकी ऐसी होती है, और यूरोपियन में कैसे होता है? मतलब यूरोपियन की भी चेस्ट लगभग इसके नजदीक ही होती है, उसका जो नेक होती है थोड़ी सी उसकी हैवी होती है, हैवी होती है नेक, उसका जो स्टैक लगता है ना जी वो थोड़ा सा ऐसे 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 डाउन होता है उसका जो। ओके ठीक है, जो फ्रेम है फ्रेम लगभग इनकी सेम ही सिमिलर है भी, इसकी जो टॉप लाइन है जी वो सीधी होनी चाहिए जी। ओके, उसकी ये अंडरलाइन है जो एग्जैक्ट ऐसे होनी चाहिए, और जो इसके थाइज हैं थाइज मजबूत होने चाहिए जी। आपके टेल का जो सेट है जो यहाँ पे देखो आप, टेल इसकी है आर्म ब्रीड से आगे होगी थोड़ी सी, इसका जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी ऐसे होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ओके, इसको गे टेल कहते हैं। ठीक है, अगर उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए बस उसका जो प्रॉपर है। ओके ठीक है, मतलब जो अमेरिकन और यूरोपियन है मतलब दिखते सिमिलर ही है, मतलब फर्स्ट टाइम जो बंदा देख रहा है जिसको डॉबरमैन के बारे में कम पता है हम कह सकते हैं। हाँ, वो जज नहीं कर पाएगा, जज नहीं, जज हो जाता है वैसे। ओके, ऐसे है भी उसका थोड़ा सा ये ज्यादा एंगुलेटेड होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा इस पे जो एंगुलेशन बहुत होती हैं, हल्के होते हैं थोड़े से। ठीक है, इसकी जो ग्रेस होती है बहुत अच्छी होती है उसकी। ओके, जो है ठीक है, अमेरिकन कह लो लैटिन कह लो, ठीक है, इसकी ग्रेस बहुत होती है। जो दूसरे हैं वो वर्क है तो देखो निकले तो वो यूरोपियन से ही हैं, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो जर्मन है, जर्मन से ही निकले हैं, मगर उसको थोड़ा सा टेम्परामेंट को थोड़ा सा उसको काम किया है, और मतलब ये जो है फैमिली डॉग्स हैं, ये आप घर पे रख सकते हो, कोई इसका जो टेम्परामेंटल इशू नहीं आया, पहले टेम्परामेंट का ही यही इशू आया था। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए सही है ब्रीड, फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बहुत बढ़िया है। मैं उसको नहीं कहूँगा यूरोपियन को, इसको कहूँगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ ऐसे है, अभी लैब्राडोर है जैसे ऐसा है, मगर इसका जो बाहरले बंदे के साथ एटीट्यूड है वो अलग हो जाएगा जी, टाइम टू टाइम चेंज करता है जी। ठीक है, इसको घर पे रखो, कोई इशू नहीं है।